आईपैड 9th जनरेशन को मैं पिछले एक साल से यूज़ कर रहा हूँ। 20,000 रुपये में फ्लिपकार्ट के BBD सेल में परचेज़ किया था 2023 में। 7 पॉजिटिव पॉइंट और 3 नेगेटिव पॉइंट के साथ इस आईपैड का रिव्यू होने वाला है और मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि क्या आईपैड 9th जनरेशन 2024 में लेने लायक है या नहीं। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट, एप्पल का A13 बायोनिक चिप जो कि इस आईपैड में लगा हुआ है। एप्पल का A13 बायोनिक चिप सबसे पहले आईफोन 11 में आया था और आईफोन 11 2019 में ही लॉन्च हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जो A13 बायोनिक चिप है जो कि आईपैड 9th जनरेशन में है वो आज से 5 साल पुराना प्रोसेसर है और फिर 2 साल बाद सेम A13 बायोनिक चिप के साथ में आईपैड 9th जनरेशन को लॉन्च किया गया था। तो अगर हम सिर्फ इस आईपैड को भी देखें तो ये आईपैड 3 साल पुराना है और इसमें लगा हुआ प्रोसेसर 5 साल पुराना है। लेकिन भाई मतलब एप्पल का कमाल ही कह सकते हो आप कि 5 साल पुराना प्रोसेसर और 3 साल पुराने टैबलेट होने के बावजूद मैं इस टैब में लगभग हर काम किया है। मतलब मैंने इसमें वीडियो एडिटिंग भी किया है, गेमिंग भी किया है, सोशल मीडिया के सारे ऐप्स भी मैंने यूज़ किए हैं, मैं क्लास के नोट्स भी मैंने बनाए हैं, बहुत सारे मैंने क्लासेस भी लिए हैं, बट इसके बावजूद मुझे 1 सेकेंड के लिए भी फील नहीं हुआ कि इसमें लगा हुआ प्रोसेसर 5 साल पुराना है और ये टैब आज से 3 साल पुराना है। बंद करके इसके परफॉर्मेंस का आप यकीन कर सकते हो। एप्पल का A13 बायोनिक चिप इतना पावरफुल है कि अभी लेटेस्ट के किसी भी 20 से 25 हज़ार वाले टैब को इजीली टक्कर दे सकता है, आपको कोई इशू नहीं होने वाली है। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट इस आईपैड का जो है वो है इसका iOS का एक्सपीरियंस। आपने शायद कहीं पे सुना होगा या वीडियो में कहीं आपने देखा होगा कि जो आईफोन होते हैं या जो आईपैड होता है उसके जो एनिमेशंस होते हैं, एनिमेशन मतलब कि जो ऐप का ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन है या होम स्क्रीन पर जो हम स्क्रॉलिंग करते हैं उसका एनिमेशन हो या कोई भी हम सोशल मीडिया का जो ऐप हम ब्राउजिंग करते हैं उन सब का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, बहुत ही ज़्यादा जिसे लगता ही नहीं कहीं पे ये अटक रहा है, फंस रहा है। और ये एक्चुअल में ट्रू है भाई, ये एक्चुअल में सच है। मैं आपको इसलिए ऐसा बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस आईपैड को पिछले 1 साल से यूज़ किया है और जो सब कुछ हो सकता था मैंने पूरा इस्तेमाल किया है और जो इसके एनिमेशन है ना, जितना मैंने सुना है लोगों से, जितना मैंने वीडियो में देखा है कि इसका एनिमेशन आईपैड आईफोन का एनिमेशन बहुत कमाल के होते हैं, वो एक्चुअल में सच है। एनिमेशन के आप दीवाने हो जाओगे अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। मतलब बोलना नहीं चाहिए मुझे लेकिन सच में एंड्रॉयड अभी बहुत पीछे है आईपैड के एनिमेशन के हिसाब से। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट जो इस आईपैड का है वो ये है कि अगर आप पबजी के शौकीन हैं, पबजी खेलना अगर आपको पसंद है तो इस आईपैड 9th जनरेशन में आप पबजी को HDR प्लस एक्सट्रीम सेटिंग पे या HDR एक्सट्रीम प्लस अल्ट्रा सेटिंग पे पबजी खेल सकते हो और पबजी बहुत ही इजीली, बहुत ही स्मूथली आप प्ले कर सकते हो। कहीं पे भी आपको कोई लैग वैग, कोई स्टटर वैग, कुछ भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक बात है ये हीटिंग होता है या गर्म होता है कि नहीं, तो हाँ थोड़ा सा तो गर्म होता है लेकिन उसको हम वार्म के कैटेगरी में रखेंगे, उसको हम हॉट के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाता है, जस्ट नॉर्मल इतना गर्म होता है कि तुरंत वो ठंडा भी हो जाता है। तो टेंशन की बात नहीं, आप बिंदास पबजी खेल सकते हैं और लॉन्ग सेशन में आप पबजी खेलेंगे आपको इशू आपको नहीं होने वाला है। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट जो इस आईपैड का है वो है इसका बैटरी बैकअप। देखिए इस आईपैड में आपको 8,557 mAh की बैटरी मिल जाती है और मेरे टेस्टिंग में ज़्यादातर मैंने जो इसको टेस्ट किया वो ऐसे टेस्ट किया है कि मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ यूट्यूब पे और साथ में नोट्स भी बना रहा हूँ, या क्लास अटेंड ऊपर में वीडियो चल रही है नीचे में नोट्स में बना रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक मैं अगर सेशन लिया हूँ, काफ़ी लंबे टाइम तक मैं बैठा रहा हूँ, क्लास अटेंड कर रहा हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो मुझे ईजिली, बहुत ईजिली मुझे 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। रेगुलर बेसिस पे अगर मैं लगातार 5-6 घंटे तक क्लास लेता हूँ, 5-6 घंटे तक मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, उसके बावजूद मैं एक्चुअल अगर निकाला जाए तो मुझे आसानी से 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। अगर आप बिल्कुल गेमिंग में लगे हुए हो तो भी कितना भी कम इसमें ईजिली आपको 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, उससे कम नहीं मिलेगा। बैटरी बैकअप में कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा बैटरी बैकअप है। हाँ बस थोड़ा चार्जिंग स्लो होता है, सिर्फ 20 वाट के इसमें चार्जर मिलेगा आपको और बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो चार्ज होने में लगभग 2.5 घंटे के आसपास लग जाता है और फिर आपको बैटरी बैकअप नॉर्मल यूज में 8 घंटा, हेवी यूज में 6 घंटा आपको मिल जाएगा। 9th जनरेशन का 5वां पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें आपको रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे और ये चीज़ मुझे हर बार बहुत अच्छा फील करवाता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं तो एक साथ एप्पल सारे ही डिवाइसेस में अपडेट भेजता है। मतलब चाहे वो कितना पुराना क्यों डिवाइस हो, अगर वो एलिजिबल है अपडेट के लिए तो वो अगर लेटेस्ट फ़ोन या लेटेस्ट कोई भी आईपैड निकला वो दोनों में एक साथ ही अपडेट आएगा।
जैसे कि एंड्रॉयड में होता है कि पहले नए वाले जो फ़ोन होते हैं उसमें जल्दी जल्दी अपडेट आते हैं, पहले अपडेट आते हैं, जो पुराने वाले फ़ोन होते हैं, जितने पुराने वाले फ़ोन होते हैं, जितने पुराने वाले टैब होते हैं, उसको सबसे लास्ट अपडेट मिलता है। तो वो ना मतलब हमेशा फील होता है यार, मतलब हम थोड़ा पुराना डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे एप्पल का ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि अगर आप आईपैड 9th जनरेशन लो या आईपैड का 8th जनरेशन लो, अगर किसी भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो नए डिवाइस के साथ साथ पुराने डिवाइस में भी एक ही दिन में और एक ही साथ अपडेट आएगा, और ये आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं कराया कि आप पुराना वाला डिवाइस यूज़ कर रहे हो, अब आपको नया डिवाइस में शिफ्ट करना चाहिए। 6th पॉजिटिव पॉइंट है इस आईपैड के साथ में कि इसमें आपको 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है। जब ये आईपैड लॉन्च हुआ था उस टाइम ये आईपैड ओएस 16 पे रन कर रहा था, उसके बाद आईपैड ओएस 17 में आया और करंटली सबसे लेटेस्ट वर्जन आईपैड ओएस 18 का भी अपडेट मिल चुका है इसको, और आगे इसको आईपैड ओएस 19 और आईपैड ओएस 20 का भी अपडेट मिलने वाला है। तो ये आईपैड अभी आगे के 2 साल के लिए भी फ्यूचर प्रूफ हो चुका है और साथ साथ 3 साल के लिए सिक्योरिटी पास के लिए फ्यूचर प्रूफ हो चुका है। तो अगर आप 2 साल 3 साल के बाद सोच के ले रहे हो किसी भी आईपैड को, ये उस मामले में भी आपके लिए खरा उतर सकता है। और 7th और लास्ट पॉजिटिव पॉइंट इस वीडियो का वो ये है कि इसका बहुत ही प्रीमियम इन हैंड फील है। फर्स्ट टाइम ही जब आप इस आईपैड को अपने हाथों में होल्ड करोगे तो आप उसी टाइम फील कर लोगे कि ये कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है। बहुत ही अच्छे से इसके वेट को बैलेंस किया गया है और हाथ में बिल्कुल एकदम सॉलिड सा लगता है। कहीं से भी आपको ये नहीं फील होगा कि ये 20,000-19,000 वाला है कोई भी टैबलेट है नॉर्मल सा। आपको एक्चुअल में फर्स्ट सेकंड से ही फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये कोई प्रीमियम प्रोडक्ट आप अपने हाथ में पकड़े हुए हो। और मुझे आईपैड का सिल्वर कलर पसंद आया था तो मैंने सिल्वर कलर ही परचेज़ किया है। बाकी आप मुझे बताओ कि आपको आईपैड का कौन सा कलर पसंद है, सिल्वर कलर या ग्रे कलर पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताना। ये सारी तारीफें हो गई ख़त्म, अब हम कुछ कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। 3 मेजर कमी मुझे दिखी इस आईपैड में और उसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको 2024 में परचेज़ करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा कमी मैं कह सकता हूँ वो है इसका बेस वेरिएंट का स्टोरेज। ये आईपैड का जो बेस वेरिएंट है वो 32 GB से स्टार्ट होता है और 32 GB आज के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा कम है। और कम इसलिए भी है क्योंकि जो आईपैड में जो ऐप का साइज़ है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो किसी भी एंड्रॉयड टैबलेट में जो ऐप का साइज 60 से 70 MB का होगा, वो इस आईपैड में आपको 250 से 300 MB का साइज़ होता है। तो ज़्यादा कुछ आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा वीडियोज़ इसमें आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा ऐप्स इसमें स्टोर नहीं कर सकते हो। आप जस्ट कोई स्ट्रीमिंग वगैरह करना चाहो तो वो कर सकते हो, बट आप चाहोगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम स्टोर करके रख ले, डाउनलोड करके रख ले, तो डेफिनेटली 32 GB का स्टोरेज आपको बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। और ये इसका मेरे हिसाब से पहला सबसे बड़ा कमी है। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ आईपैड 9th जनरेशन वो ये है कि इसका जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। मतलब आज से तीन साल पहले ये डिज़ाइन सही भी लगता है, लेकिन अभी जो भी आईपैड आ रहे हैं उसके बेजल्स काफ़ी पतले होते हैं और काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन के साथ आते हैं। लेकिन जो आईपैड 9th जनरेशन का जो बेजल्स है, स्पेशली दोनों साइड का जो बेजल है, वो काफ़ी मोटे हैं और जो सामने का जो लुक है वो आपको कहीं ना कहीं फील कराएगा कि ये थोड़ा आउटडेटेड डिज़ाइन है। तो आपको मॉडर्न डिज़ाइन या स्लिम बेजल्स वाले टैबलेट पसंद है तो ये इसका डिज़ाइन थोड़ा सा आपको आउटडेटेड लग सकता है। और थर्ड और लास्ट नेगेटिव पॉइंट इस वीडियो के लिए वो ये है कि आईपैड 9th जनरेशन का अगर डिस्प्ले टूट जाता है या उसमें क्रैक आ जाता है तो भाई बहुत ही लंबा वाला खर्चा होने वाला है, क्योंकि एप्पल जो है वो डिस्प्ले को सिर्फ डिस्प्ले को रिप्लेस नहीं करता है, वो कंप्लीट आईपैड ही रिप्लेस करता है। कंप्लीट आईपैड रिप्लेस करता है तो कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि आईपैड को रिप्लेस करने का जो चार्ज है वो एप्पल 32,000 रुपये करता है। आप इस आईपैड को ऑफर में 19,000-20,000 में परचेस करते हैं और डिस्प्ले में कुछ भी दिक्कत हो जाती है, कुछ भी टूट गया फूट गया, तो एप्पल के पास अगर आप जाते हैं वहाँ से आप सही करवाने जाओगे तो वो आपको एक नया आईपैड देगा बट उसके बदले में आपसे 32,000 रुपये चार्ज करेगा। 32,000 रुपये से चार्ज कर रहा है क्योंकि जो इसका एक्चुअल प्राइस है, जो लॉन्च प्राइस है, वो 32,000 रुपये है और एप्पल आपको कोई भी ऑफर नहीं देने वाला है, आपको पूरा का पूरा प्राइस पे करना पड़ेगा 32,000 रुपये, तब जाके आपको एक नया आईपैड मिलेगा एप्पल की तरफ से। तो ये भी एक दिक्कत है सर्विस को लेकर, कुछ भी दिक्कत हो गई, टूट फूट गया, एप्पल इसको पार्टिकुलर चीज़ को रिप्लेस नहीं करता है, पूरे आईपैड को ही रिप्लेस करता है। हाँ, अगर आप लोकल शॉप्स इसको अगर आप डिस्प्ले वगैरह को चेंज करवाना चाहें तो वहाँ पे सस्ते में हो जाएगा, बट थोड़ा फिर वहाँ पे डाउट होता है ऑथेंटिसिटी का कि पता नहीं कैसा वो प्रोडक्ट, कैसा वो सामान यूज़ करेगा, ओरिजिनल है या नहीं है। तो उसी बात के लिए मैं कह रहा हूँ अगर आप एप्पल से रिप्लेस करवाएंगे तो बहुत बड़ा वाला खर्चा होने वाला है आपका। तो आप कंक्लूजन क्या है, किन्हें ये आईपैड लेना चाहिए और किन्हें ये आईपैड नहीं लेना चाहिए?
सबसे पहली बात, अगर आप तो सिर्फ एस्पेक्ट्स को देखिएगा, ठीक है, तो एस्पेक्ट्स के कंपैरिजन में आपको बहुत सारे अभी ऑप्शंस दिख जाएंगे मार्केट में 20 से 25,000 के प्राइस रेंज में, जो इससे बेहतर एस्पेक्ट्स, जो इससे बेहतर लुक के साथ आते हैं, आप डेफिनेटली वहाँ पर जा सकते हो, उसको आप परचेज कर सकते हो। बट एस्पेक्ट्स से ऊपर होता है एक्सपीरियंस, एस्पेक्ट से ऊपर होता है कि आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, आपको यूज़ करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, बग्स वगैरह से फ्री है कि नहीं वो डिवाइस, वो चीज़ होता है। और मेरे हिसाब से मैं एस्पेक्ट्स के ऊपर मैं अपने एक्सपीरियंस को रखता हूँ कि मैं किसी भी डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होता है। जैसे मैंने एक साल से इसको यूज़ किया है, मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं किसी टैब को परचेज करने की कोशिश करूँगा तो मैं डेफिनेटली किसी आईपैड को परचेज करूँगा, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस मुझे दिया है वो मैं इससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। तो किन्हीं ये आईपैड लेना चाहिए और किन्हीं आईपैड नहीं लेना चाहिए, उनको ये आईपैड लेना चाहिए जो एक स्टूडेंट है और जो ज़्यादातर वीडियोस देखते हैं, ज़्यादातर क्लास करते हैं, ज़्यादातर वो स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए ये आईपैड सही है। आप क्लास वगैरह कर सकते हैं और जो थोड़े बहुत नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं आपको, तो नोट्स बना सकते हैं इसमें, वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। हाँ, बट आप ज़्यादा डाउनलोड नहीं कर सकते इसमें, जस्ट स्टूडेंट हैं, क्लास करना है, नोट्स बनाना है, तो इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। सेकेंड बंदे उनके लिए आईपैड बेस्ट रहेगा जो गेमिंग करना चाहते हैं पर ज़्यादा बजट नहीं है उनका, 20,000-25,000 बजट है उनका, और उस बजट में आपको बेहतर आईपैड चाहिए, बेहतर टैबलेट चाहिए जो अच्छे से गेमिंग वगैरह करवा दे, तो ये आईपैड वन ऑफ दी बेस्ट गेमिंग करवा सकता है 20 से 25,000 के रेंज में, और काफ़ी अच्छे सेटिंग भी आप इसमें गेमिंग कर सकते हो। बट उस तरह के बंदे के लिए आईपैड सही रहेगा जो थोड़ा टेकी हैं, जिनको थोड़ा अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने में मज़ा आता है, जो अभी तक एंड्रॉयड टैबलेट को यूज़ किए हैं, वो चाहते हैं जस्ट है ना एक iOS का एक्सपीरियंस हो जाए, जैसे कि मैं हूँ, मुझे ना थोड़ा इसको iOS का एक्सपीरियंस करना था। जब मैंने इस आईपैड को परचेस किया था तो उस टाइम मेरे पास ऑप्शन था कि मैं MI का पैड परचेस कर लूँ, बट मुझे एंड्रॉयड टैबलेट नहीं चाहिए था, मुझे iOS का एक्सपीरियंस करना था, इसकी वजह से मैंने आईपैड को परचेस किया था और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कमाल का रहा है। तो मैं आपको, अगर इन तीनों बंदे में से कोई भी बंदे आप आते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको यह आईपैड रिकमेंड करता हूँ। बट इसके बाद अगर आप इनमें से और बंदे में आते हैं तो मैं उनको यह आईपैड बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। पहला वो बंदे हैं जो बहुत सारे चीज़ें डाउनलोड करते हैं, जिनको बहुत सारे वीडियोज़ डाउनलोड करना है, जिनको बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करना है, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में यह आईपैड का स्टोरेज आपको बहुत कम फील होगा और कुछ ही टाइम में आपका स्टोरेज भर जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है आईपैड वगैरह लैग करना स्टार्ट कर दे। तो ज़्यादा डाउनलोड करते हैं, ज़्यादा डाउनलोड करने वाला काम है आपका, तो आप डेफिनेटली दूसरे बेहतर ऑप्शन देखिए, या आईपैड 10th जनरेशन भी आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में भी मिल जाता है, उसके तरफ आप जा सकते हो। सेकेंड, उस तरह के बंदे आप जो डिज़ाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं, जिनको मॉडर्न डिज़ाइन चाहिए, एक स्लिम बेजल्स वाला डिज़ाइन चाहिए, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि यह आईपैड आपको पसंद ना है, क्योंकि इसका जो सामने का जो डिज़ाइन है स्पेशली, उसमें जो जो दोनों साइड के जो बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, तो हो सकता है ये देख के आपको उतना पसंद ना है डिस्प्ले। तो अगर आपको मॉडर्न डिज़ाइन चाहिए तो इसके लिए भी आप बेहतर आईपैड की तरफ, या आईपैड 10th जनरेशन की तरफ, या कोई दूसरे भी जो मॉडर्न एंड्रॉयड टैबलेट उस तरफ आप जा सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में आई थिंक सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया है, 7 पॉजिटिव पॉइंट बताए हैं, 3 नेगेटिव पॉइंट बताए हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता चुका हूँ, साथ साथ किनको ये आईपैड लेना चाहिए, किनको ये नहीं लेना चाहिए, सब कुछ बता चुका हूँ। तो अब शायद मेरे हिसाब से आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, तो ईजिली सोच समझ कर आप डिसीजन लीजिए। और अभी फ्लिपकार्ट के BBD सेल में ये आईपैड आपको 19,000 मिलने वाला है, तो आप ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। बाकी हाँ, ये आईपैड मेरा वाला जो आईपैड है, इसका डिस्प्ले टूट चुका है क्योंकि मैंने इसको सही से प्रोडक्शन नहीं किया, जबकि ग्लास मेरे पास आ चुका था, फिर मैं लगाया नहीं था उसको उस टाइम में। तो अगर आपको बेहतर इसका टेम्पर ग्लास और बेहतर इसका कवर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस दोनों चीज़ का मैं लिंक डाल दूंगा, जो बहुत ही अच्छे ब्रांड की तरफ से आता है और काफ़ी ज़्यादा आपको आईपैड को ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कुछ भी पूछना हो बताना हो कमेंट जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर लेके आता रहता हूँ।